सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज पलामू व बेल आइकॉन दबाकर पाएं परमंडल की ताजा खबरें सबसे पहले सबसे आगे। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत डाल्टनगंज शहर की नावाटोली केजी स्कूल रोड में संचालित राकेश मेमोरियल हॉस्पिटल स्थित जन औषधि केंद्र से जन औषधि दिवस पर शनिवार को विशेष अभियान की शुरुआत पलामू सांसद बी डी राम ने की। उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए परियोजना की विशेषताओं को रेखांकित किया। सांसद श्री राम ने कहा कि इसके तहत देशवासियों को उच्च गुणवत्तायुक्त जेनरिक दवाइयाँ सस्ते दामों पर उपलब्ध कराना है, जेनरिक दवाइयों को बढ़ावा देना है जिसके तहत प्रति व्यक्ति इलाज पर खर्च होने वाले व्यय को कम किया जा सके। दवाइयों की खरीद केवल WHO GMP सर्टिफाइड कंपनी से ही करना है जबकि दवाइयों की गुणवत्ता NBL सत्यापित प्रयोगशालाओं से सुनिश्चित करना है। कहा शिक्षा और प्रचार के माध्यम से जेनरिक दवाइयों के बारे में जागरूकता पैदा करना एवं परियोजना द्वारा रोजगार के भी नए अवसर पैदा करना है। जन औषधि परियोजना के तहत विशिष्ट श्रेणियों की दवाइयां जैसे मधुमेह, रक्तचाप, गेस्ट्रो, कैंसर, एलर्जी इत्यादि के आसानी से उपलब्ध हैं। बतलाए कि वित्तीय वर्ष 2018-19 में इस योजना के तहत लगभग 315.7 करोड़ रुपए की जेनरिक दवाइयों की बिक्री हुई जिसकी ब्रांडेड दवाइयों की तुलना में कीमत 25,000 करोड़ रुपए होगी। यानी जन औषधि परियोजना से देश की जनता ने 2200 करोड़ रुपए बचाए। सांसद बी डी राम ने बताया कि जन औषधि केंद्र के संचालक को केंद्र सरकार इसके तहत 6,200 से अधिक केंद्र खोले जा चुके हैं जहां से लोग लाभान्वित हो रहे हैं। वहीं जेनरिक दवाइयों के उपयोग से लाभान्वित हो रहे राणा शमशेर बहादुर सिंह, सुशील कुमार व अन्य ने अपने अनुभवों को साझा लोगों के बीच कर जन जागरण किया। समूचे कार्यक्रम का संचालन भाजपा नेता विजय ओझा ने किया।